दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 147 और 148 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है टॉक्सिक सब्सटेंस और द लाइन। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इवन नेचुरल वाटर सभी हीरोज पर भारी पड़ रहा होता, लेकिन डार्क शाइन उसे हैंडल कर लेता। उसके बाद ब्लैक एस अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता और उसका सामना करने के लिए काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के भी समुराई आ जाते हैं, और होमलेस एम्परर भी ब्लैक एस की मदद करने से मना कर देता, और जेनोस भी टैंक टॉप मास्टर को लेकर फुबुकी के पास पहुंच जाता और फुबुकी मास्टर को हील करने लगती है, और लास्ट में बॉम्ब के सामने द ह्यूमन मॉन्स्टर गारो की एंट्री होती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम बॉम्ब और गारो को एक दूसरे के सामने देखते हैं। तभी गारो बॉम्ब पर अपनी किक से अटैक करता, लेकिन बॉम्ब साइड में हटकर बच जाता और गारो पर अपने पंच से अटैक करता, लेकिन गारो भी नीचे झुककर बच जाता। फिर वापस से बॉम्ब अपनी किक से अटैक करता, लेकिन गारो बैक स्लिप मारकर बच जाता है। तो बॉम्ब बोलता है, ये मेरे छोटे भाई का काम है तुम्हें रोकना, लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा है। अगर ये लड़ाई हमें ही लड़नी है तो मैं अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा। और बैंग अपनी वर्ल्ड विंड टेक्निक से गारो पर अटैक करता है, लेकिन गारो वहां से बच चुका होता है और वहां की जमीन सर्कुलर शेप में कट जाती है। और फुबुकी गारो पर अटैक करने जाती है, लेकिन उन लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि फुबुकी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। और तभी अचानक गारो सीधा फुबुकी को पंच मारने पहुंच जाता है, लेकिन बॉम्ब भी बिल्कुल सही टाइम पे आके उस पंच को रोक लेता, और गारो बॉम्ब को एक पंच मारने जाता है, लेकिन बॉम्ब झुक कर बच जाता है और बोलता है, चलो इस फाइट को कहीं और ले चलते हैं। और बॉम्ब गारो को पंच मारकर बहुत दूर फेंक देता है, और बॉम्ब उतनी स्पीड में गारो का पीछा करता है, और फुबुकी की तो हालत खराब हो जाती है। तभी वहां पर बिग गॉड आ जाता है और वो टैंक टॉप मास्टर की हालत देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या हालत कर दी उन लोगों ने तुम्हारी। तभी फुबुकी बोलती है, बिग गॉड क्या तुम मेरी मदद करोगे। अगले पैनल में पूरी ब्लैक एस की सुनामी सभी हीरोज पर टूट पड़ती है, लेकिन सभी हीरोज जमकर अटैक करते हैं। तो एटॉमिक समुराई बोलता है, इनके नंबर से मत घबराना। और तभी जमीन के नीचे से एक ब्लैक एस की बड़ी कॉपी निकलती है, जो तात्सुमाकी को पकड़ लेता और बोलता है, लगता है मर्डर करने की रेस में मैंने लीड ले ली है। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी खुद को बचाने के लिए थोड़ी सी साइकिक पावर बची है, लेकिन मेरे सामने बहुत कमजोर है। सोचो क्या होगा अगर मैं तुम्हें जोर से दबा डालूं तो। लेकिन तभी वहां पर जेनोस आ जाता है, जो अपने अटैक से ब्लैक एस का हाथ ही उड़ा डालता है और तात्सुमाकी को बचा लेता है। तो ब्लैक एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता, अब तेरी बारी है कबाड़ कहीं के। और ब्लैक एस सीधा जेनोस पर अटैक कर डालता है और जेनोस सीधा जमीन में जाकर घुस जाता है, लेकिन अचानक वो खड़ा हो जाता है और बोलता, मैंने खड्डे से बचने का फंक्शन पहले ही फिट कर लिया था। तात्सुमाकी, ये डेटा मैंने तुम्हारे अटैक से ही कलेक्ट किया। और तात्सुमाकी जेनोस को पत्थर पर मारने वाली बात याद करती है और स्माइल करके बोलती, तुम खुद को लकी फील नहीं करते कि तुम मेरे कारण स्ट्रांग हो गए हो। तो जेनोस बोलता, लगता है तुम्हें अपने अंदर माफी मांगने वाला फंक्शन फिट करा देना चाहिए, क्या तुम अभी भी लड़ सकती हो। तो तात्सुमाकी बोलती, तुम जानते भी हो तुम किससे पूछ रहे हो। तभी अचानक सबको एक स्मेल आने लगती है। तो ब्लैक एस बोलता, ये कैसी अजीब सी स्मेल है। और वो वॉमिटेड फर अगली होता और बोलता, वो बुढ़ाओ कहाँ है। उस पर ब्लैक एस बोलता, वॉमिटेड फर अगली तुम्हें क्या हुआ है। और वॉमिटेड फर अगली का साइज बढ़ता और कम होते जाता है। तो स्प्रिंग मिस्ट्री जी बोलता, उसकी बॉडी सूज और पिघल दोनों रही है, क्या हो रहा है। उस पर वॉमिटेड फर अगली बोलता, सिल्वर फैंग कहाँ है, एक बार मेरे सामने आ जाओ। तो ब्लैक एस बोलता, जो एस क्लास को मारने की रेस में सबसे आगे चलना चाहता था अब उसी की हालत खराब हो गई है। तो वॉमिटेड फर अगली उन ब्लैक एस पर थूक डालता, तभी वहां पर डार्क शाइन आ जाता और बोलता, तुम्हारे पास तो बिल्कुल शाइन नहीं है। और डार्क शाइन अपना सुपर वाला डबल बाजू का अटैक और वॉमिटर फर अगली अपना फोर आर्म मेल्टिंग पंच अटैक यूज करता है, और उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते और वॉमिटर फर अगली के थूक के कारण वो सारी ब्लैक एस की कॉपी पिघल जाती है। और जैसे ही डार्क शाइन अपने हाथों को बाहर निकालता है तो उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो यान बोलता, ये तो बहुत खतरनाक एसिड है। तभी वॉमिटर फर अगली डार्क शाइन की छाती पर थूक डालता है और डार्क शाइन जलन के मारे धरती पर चक्कर खा रहा होता है। उसके बाद वॉमिटर फर अगली बोलता, ये डाइजेस्टिव पावर मुझे गम की वजह से मिली है, दर्द और डर दोनों की फीलिंग का मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा। तभी एटॉमिक समुराई बोलता, खाली हाथ से मत लड़ो। और ज़ेम्बाई वॉमिटर फर अगली पे अटैक करने जाता है, लेकिन वॉमिटर फर अगली उसकी स्वॉर्ड पकड़कर पिघला डालता और सीधा ज़ेम्बाई के फेस पर ही अटैक कर देता और ज़ेम्बाई का चेहरा बीच में से ही फट जाता है। तभी एटॉमिक समुराई अपना एटॉमिक स्लैश और नीचिरिन अपना ईआई राहु असुरा स्लैश अटैक यूज करता है, लेकिन वॉमिटर फर अगली को एक खरोच भी नहीं आती है और उन दोनों के ब्लेड भी पिघल जाते हैं। अगले पैनल में बॉम्ब और गारो फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करके पीछे चले जाते हैं। तो बॉम्ब सोचता, इतने कम टाइम में पता नहीं इसने कितनी लड़ाई लड़ी है, इसने हर एक टेक्निक को मिलाकर अपने तरीके से यूज की है, क्या इन सब का कारण इसका मॉन्स्टर बनना है। जो भी हो, जब तक बैंग नहीं आ जाता तब तक मुझे हार नहीं माननी है। और बॉम्ब
अपने एक हाथ को पीछे छुपा लेता और एक पांव को हवा में उठा लेता, और जैसे ही गारो अटैक करने के लिए उसके पास पहुंचता तो बॉम अपना पैर बहुत जोर से पछाड़ता है, जिसके कारण वहां एक धमाका होता और बॉम धुएं के अंदर से अपनी व्हर्लविंड टेक्निक यूज करता है। लेकिन गारो भी वही टेक्निक इस्तेमाल करता है और उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, और ये देखकर तो बॉम शॉक हो जाता है। तभी गारो का एक पंच उसके मुंह पे आता है और बॉम वही घायल हो जाता है। तभी वहां पर बैंग आ जाता है, तो बॉम बोलता है, बैंग संभाल कर, गारो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। और बैंग और गारो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बैंग गारो को देखकर बोलता है, क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है कि तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो? गारो, तुम्हें पता है एक मॉन्स्टर बनने का क्या मतलब होता है, और मैं तुम्हें दूसरे हीरोज को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और बैंग अपनी टी शर्ट निकालकर एक बहुत लंबी सांस लेता है और बोलता, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी अकल ठिकाने लाऊंगा, आखिरी बार मैं अपनी फुल पावर से लड़ूंगा, तो आ जाओ। और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और दोनों एक दूसरे से टकराते। तभी गारो बैंग को पंच मारता, लेकिन बैंग उसे वाटर स्ट्रीम टेक्निक से डिफ्लेक्ट कर डालता और दोनों पूरी पावर से अटैक और डिफेंस करते हैं। और ये देखकर बॉम्ब सोचता है कि गारो की पावर और भी बढ़ गई है, क्योंकि बैंग अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी गारो बराबरी कर रहा है। और बैंग गारो को देखकर सोचता, अवेकन ब्रीथ टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो बॉडी के हर एक हिस्से की पावर बाहर निकालती है, और गारो ने इसे सिर्फ एक बार देखने से सीख लिया। और बैंग गारो को एक किक मारता और गारो बहुत दूर उड़ता, और बैंग इतना फास्ट होता है कि वो गारो से पहले ही आगे पहुंच जाता और उस पर एक और अटैक करके उसे ऊपर की तरफ फेंक डालता, और बैंग जंप मारकर वापिस से गारो के पास पहुंच जाता और गारो पर अटैक करता। लेकिन गारो उस अटैक से बच के बैंग की गर्दन में अपनी टांग फंसा देता और बैंग को गोल घुमाकर उसका सर सीधा सरफेस पर मार देता। लेकिन बैंग बैक फ्लिप मारकर वापिस खड़ा हो जाता और उसके सर से खून निकलता और बोलता, जब तुम मेरे स्टूडेंट थे तब से ज्यादा तुम्हें अभी सिखाने की जरूरत है, बेवकूफ स्टूडेंट। और गारो कुछ अलग ही रिएक्शन दे रहा होता है। अगले पैनल में वॉमिटर फ्रगली अपना फुल बॉडी मेल्टिंग पंच एटॉमिक समुराई और नीचिरिन पर करता है, और इयान और स्प्रिंग मिस्टर जो उन्हें बचाने आते हैं। लेकिन तभी हमारे इयान और एटॉमिक समुराई को किक मारकर दूर फेंक देता और बोलता है, कामिकाजे सैम भाई का बदला लेना। और स्प्रिंग मिस्टर जो नीचिरिन को बचाने आता है, लेकिन नीचिरिन उसे दूर कर देता है और वॉमिटर फ्रगली के अटैक वो दोनों अपने पे ले लेते हैं, और हमारे की तो पूरी बॉडी ही मेल्ट हो जाती है। और वॉमिटर फ्रगली वापिस उसी उल्टी को पीने लगता है, तो ब्लैकेस्ट बोलता है, ये तुम क्या पी रहे हो? उसके बाद बाकी सोर्समैन नीचिरिन के पास आ जाते हैं, जिसकी आधी बॉडी पिघल चुकी होती है, और बोलता, कामिकाजे काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड्समैन में अब तुम सिर्फ अकेले बचो, मैं तुम्हें ये देता हूँ। और नीचिरिन अपने गले में से एक माला निकालता है और अपनी फिंगर क्रॉस करके उस माला के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालता है, तो एटॉमिक समुराई बोलता, क्या ये सन ब्लेड है? तो नीचिरिन बोलता, ये एक सीक्रेट ब्लेड है जिसे एक बहुत पुराने कॉन्टिनेंट पे बनाया था और ये समुद्र में डूब गई थी, लेकिन इसके मिलने के बाद हम इसे काउंसिल के हर स्वॉर्ड्समैन को जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं। तो इयान बोलता, स्प्रिंग मिस्ट्री जो, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते थे? तो स्प्रिंग मिस्ट्री जो बोलता, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। उसको नीचिरिन बोलता, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें एक मास्टर की तरह बढ़ते हुए देखा है, काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर को अब मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, और हाँ, मून ब्लेड की भी तलाश करना। तो यान बोलता, ये मून ब्लेड क्या है? तो एटॉमिक समुराई बोलता, सन ब्लेड और मून ब्लेड, लोग कहते हैं जिस स्वॉर्ड मास्टर के पास ये दोनों ब्लेड्स होंगे उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, और उस लेजेंड ब्लेड को ढूंढना काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर का बहुत पुराना मिशन है और वो खोज अभी भी जारी है, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया? तो यान बोलता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी नीचिरिन बोलता, स्प्रिंग मिस्ट्री जो, तुम अब अच्छे स्वॉर्डमैन बन गए हो, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना और खुद पर भरोसा करना है, और बस एक मास्टर के नाते मेरे पास अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसके बाद हम वॉमिटर फरगली को देखते हैं तो ब्लैक एस की पिघली हुई बॉडी को पी रहा होता है, तो ब्लैक एस बोलता, ओए गंदी उल्टी, मुझे खाना मत शुरू करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वॉमिटर फरगली कुछ और ब्लैक एस के ऊपर एसिड डाल देता और उसे पीने लगता और बोलता, तुम लोग तो मेरे लिए बहुत सारा प्रोटीन वाला खाना हो, जब ये सब खत्म हो जाए तो तुम मेरे पास ही रहना ताकि मैं अपने प्रोटीन का कोटा खत्म कर सकूं, तुम्हारे लिए तो काफी सम्मान की बात है, और अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो आओ लड़ो मुझसे। और ब्लैकेस बोलता, बेवकूफ, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है? तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। और ब्लैकेस अपने आसपास देखता और सभी हीरोज ब्लैकेस से लड़ने में बिजी होते हैं और सोचता, अभी आसपास के सारे हीरोज कमजोर हो चुके तो अब हमें मिक्स होने से कोई नहीं रोक सकता, तो सभी लोग आ जाओ, अब टाइम आ गया है इस उल्टी जैसे जानवर को उसकी औकात दिखाने का। और वॉमिटर फरगली के सामने बहुत ज्यादा रोशनी होने लगती है और अचानक उसके फेस पर एक पंच आता और वॉमिटर फरगली अपने एसिड से वापिस अटैक करता, लेकिन उसके फेस पर एक और पंच आता और ये पंच कोई नया ही मारता और बोलता, मुंह से सुपारी थूक के अटैक कर। और ये देखकर बाकी हीरो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं? उसके बाद वो चीज बोलती है, तुम्हारा ये एसिड मेरे इस सोने की चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी,
क्योंकि जग सोना सोना लागे। और वो ब्लैक एस का एक नया ही ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम गोल्डन एस, और उसका जन्म अब हो गया है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सबसे पहले तो सॉरी, मैंने इतने अच्छे खासे सीन में दो फालतू के जोक्स मार दिए, लेकिन क्या करता, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब अचानक ये जोक्स मेरे दिमाग में आ गए और मैंने सोचा कुछ तो मजा डाल ले, तो बस एंटरटेनमेंट का नाम लिया, दिमाग में आ गया और मैंने डाल दिए। चलो अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं गारो के बारे में बात करना चाहूंगा। मॉन्स्टर बनने के बाद उसने अभी तक दो फाइट लड़ी है लेकिन उसका एक भी डायलॉग नहीं आया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गारो अभी भी नींद में, बिल्कुल उस टाइम की तरह जब उसने पहली बार डार्क साइन से फाइट की थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और सबसे जरूरी बात शेयर तो जरूर करना, नहीं तो तुम सबको मैं वॉमिट और फर्क लिखी थूकी हुई विमल में डुबा डालूंगा। मजाक कर रहा हूं, लेकिन प्लीज शेयर तो करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग मजे करो।